हाय माय यूट्यूब फैमिली, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट एनर्जीज, जैसे कि मैं ये पाइल से आपके लिए देखती हूँ और ये पाइल से आपके पार्टनर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट कार्ड चाहिए। ये बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे ये भी ले लेती हूँ फिर तो। ओके, अब आपके पार्टनर्स का भी मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। ठीक है, मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है माँ, प्लीज बताइए। एक और कार्ड, ये एक ले लेती हूँ, ये आ रहा था। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप अपने पार्टनर को स्पाई भी करते हो अलग अलग जगहों से। आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव भी हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। आपका इंट्यूशन बहुत एक्टिव है बट आप अपने इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप कब से वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए बट आप ये नहीं समझ रहे कि आपको अपनी लाइफ में भी काम करना है। आप उसी बर्डन के साथ जीते हो, रोज प्लानिंग बनाते हो कि आज मैं ये करूंगा ये करूंगी एंड फिर कुछ नहीं होता। एंड में आप अपने पार्टनर को स्पाई करते हो, फिर उदास हो जाते हो एंड फिर सोचते हो कि कब मैसेज आएगा कब मैसेज आएगा कब मैसेज आएगा। ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है बट थोड़ी किडिश वाली एनर्जी है। अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, ना आपका पार्टनर ना कोई। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को मैसेज भी आ सकता है। ठीक है, जो लोग थोड़े बहुत बैलेंस्ड हैं उनको मैसेज भी आएगा अपने पार्टनर का। अब देखते हैं आपके पार्टनर्स की क्या है। आपकी तो हैवी आ गई एनर्जी। या शिट, एक मिनट, सॉरी ही डेक गिर गया। आपके पार्टनर्स की एनर्जीज देखते हैं। एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, हेरोफिंट,
Nine of Pentacles and Ace of Wands. Okay, मैं ना कुछ कार्ड क्लैरिफिकेशन में निकाल रही हूँ, एक मिनट रुकिएगा. Shambhu, Shambhu, Shiva Devaya. आज पता नहीं क्या हो रहा. ओके, अब समझ में आ गया सब कुछ. ठीक है, सॉरी. ओके, अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या है. अगर पहले उन्होंने आपको छोड़ा था थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, तो उनको रियलाइज हुआ कि वो जो भी ऑप्शन में उन्होंने आपको छोड़ा था, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है. थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई ह्यूमन है, उनका थॉट हो सकता है, उनका काम, समाज, सोसाइटी, दोस्त, कोई भी, फैमिली, कोई भी, ठीक है. सो अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था और आप जो चेज कर रहे थे, आपने चेजिंग करना बंद कर दिया और स्पाई करना भी बंद कर दिया, तो वो अब आपको मिस कर रहे, क्योंकि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो हो रहे हो. ये उन्हीं के लिए है जो लोग अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं. ये मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग रो रहे हैं, ठीक है. एंड जो लोग रो रहे हैं, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे, बट वो इन एंड आउट होगा, आते जाते रहेंगे. बट जो लोग बैलेंस्ड है, जो लोगों को पता है कि ठीक है मेरे पार्टनर आए ना आए, वो लोग जो लोग बेसिकली ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में है, स्पेशल मैसेज उनके लिए है. आपके पार्टनर आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं. 11-11 की एनर्जी है, वो जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देंगे. 7 दिन के अंदर आपको मैसेज भी आएगा. अगर आप बैलेंस्ड हो, अगर आप डिसबैलेंस हुए तो शायद मैसेज ना आए. सो प्लीज बी बैलेंस, हायर योर वाइब्रेशंस, एंड जो भी ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस हटाएंगे. अगर पहले आप लोगों को, ये अभी एक और मैसेज है सभी के लिए, अगर पहले आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे तो वो अब लेंगे, ठीक है. बट अगर आप बहुत चेजिंग के मोड में होगे ना, तो वो आपसे दूर भागेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे. सो किसी के पीछे भागना नहीं है, समझे, क्लैरिटी मिला. क्योंकि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं. और एंड डेफिनेटली आप लोग एक कपल हो, एम्परर एंड एम्प्रेस आए, अगर उनके पेरेंट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वो आपके साथ ट्रेडिशनल वे में शादी करेंगे. सो क्लेम कीजिए ये एनर्जी को, कमेंट में लिखिए कि आज के बाद मैं अपने पार्टनर को चेज नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और मैं मैनिफेस्ट करूंगा या करूंगी, और मैं अपनी एनर्जी पे फोकस करूंगा, ठीक है. गॉड ब्लेस यू ऑल. हर हर महादेव. थैंक यू.